हेलो फ्रेंड, नमस्कार। अपना लोगों के यूट्यूब चैनल परिवार पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना लोगों के यूट्यूब चैनल परिवार पर रेलवे की पल पल की अपडेटों के साथ आपको मिलती है न्यू वैकेंसी और न्यू वेटिंग लिस्ट के साथ आपको न्यू जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, अपना लोगों के यूट्यूब चैनल परिवार पर रेलवे न्यू वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको आज बताएंगे। आज का टॉपिक रहेगा रेलवे न्यू वेटिंग लिस्ट, बिग धमाका। जो आप ये देख रहे हो, आग लगा रखी है, धमाके के बाद एक धमाका निकला जा रहा है। और रेलवे RRB ALP टेक्नीशियन न्यू वेटिंग लिस्ट 2022 में जारी की गई है। और RRB न्यू रिप्लेसमेंट पैनल आउट, रेलवे न्यू वेटिंग लिस्ट जारी, बिग धमाका। जो आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे, ये ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। इसका कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, खाली इसको वेबसाइट पे ही आप देख सकते हो। RRB रेलवे रिक्वायरमेंट चेन्नई की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा लेटर। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड चेन्नई। कट ऑफ मार्क्स काफ़ी कम हुए हैं दोस्तों, रेलवे ने किया धमाका। मेडिकल अनफिट कैंडिडेटों को भी रीमेडिकल के लिए बुला लिया गया है। मतलब मेडिकल में अनफिट कैंडिडेट थे, उनको रीमेडिकल के लिए बुलाया गया है। स्टार लग गए हैं जिन कैंडिडेटों के लिए, जिनको रीमेडिकल के लिए बुलाया गया है उनके लिए स्टार सुविधा, यानी स्टार एक तरीके से उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो देख लेते हैं दोस्तों, कितने बंदों को इसने वेटिंग लिस्ट क्लियर करके, और जो अनफिट मेडिकल थे उनको, अनफिट मेडिकल में अनफिट थे उन कैंडिडेटों को बुलाया है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरी जानकारी देखने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और स्किप ना करें, वीडियो को लगातार देखें और पूरी अच्छे से देखें। और वीडियो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को दोस्तों, उससे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सी बोर्ड ने आपको वेटिंग लिस्ट क्लियर किया है दोस्तों, और कौन से बोर्ड ने आपको अनफिट मेडिकल वाले कैंडिडेटों को लिया है दोस्तों, रीमेडिकल के लिए बुला दिया गया है। तो दोस्तों, आपको गूगल पर लिखना है RRB चेन्नई। क्या लिखना है दोस्तों? चेन्नई, RRB चेन्नई पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से कुछ खुल के आ जाएगा। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, RRB चेन्नई की मेन वेबसाइट पे जाओगे, मेन वेबसाइट पे ऐसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से कुछ खुल के आ जाएगा दोस्तों। आप देख रहे हो, आप ये खुल के आ गया है, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया वही आ गया है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड चेन्नई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और आपके सामने इसमें पूरा दिया गया है सब कुछ। सबसे पहले आपको इसमें जो न्यू रिजल्ट आया है अभी NTPC का, उसके लिए बारे में दिया गया है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC, यानी NTPC के बारे में आपको इसमें दिया गया है। सबसे पहले 1/2019 की पूरी डिटेल्स दी गई है। उसके बाद नीचे जाओगे आप, थोड़ा सा और नीचे जाते जाओगे तो देखते जाओगे दोस्तों सबके बारे में दिया गया है। यहाँ पे आप CN नंबर देख के ही आप पहचान जाओगे किस वैकेंसी से संबंधित लेटर इसमें इश्यू हुए हैं। तो जैसे ही आपको यहाँ पर लिखेगा CN नंबर 1/2018, यानी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन से संबंधित जो भी कुछ इसमें जो जानकारी होती है वो इसमें मिलती है आपको, यहाँ पे आके मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये काफ़ी अच्छी जानकारी है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक हेयर मेडिकल फिट एंड रिप्लेसमेंट पैनल ALP टेक्नीशियन, तो 20/1/2022 को ये निकला है पैनल। इस पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से कुछ खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके सामने खुलते ही आपको ये पता लग जाएगा कौन से बोर्ड से रिजल्ट निकला है ये, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, पैनल असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल कैटेगरी नंबर 1 से है। और आपके सामने दोस्तों ये सब कुछ आपके सामने ये जानकारी दी गई है, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स आदि सब जानकारी दी गई है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों, इससे आपको 5 कैंडिडेट लिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, ये सब SC ST कैंडिडेट हैं पूरे, और वो भी असिस्टेंट लोको पायलट में लिया गया है। इसमें आप देख रहे हो तारा चंद मीना, ये असिस्टेंट लोको पायलट में लिया गया, 49 नंबर पे आपको इसमें सिलेक्शन हो गया दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों आगे जाएंगे तो आपको असिस्टेंट लोको पायलट, ये टेक्नीशियन कैटेगरी नंबर असिस्टेंट लोको पायलट 1 से थे, और यहीं आपके कैटेगरी नंबर 2 असिस्टेंट लोको पायलट से SR में लिए गए हैं। ये इतने कैंडिडेट हैं आपके सामने, इसमें भी दोस्तों आपको 14 कैंडिडेट लिए गए हैं दोस्तों, 14 कैंडिडेट। और इसी के बाद आपके पूरे 3 कैंडिडेट और लिए गए हैं, वो भी आपके असिस्टेंट लोको पायलट मैकेनिकल SR से हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जनरल के हैं। इस प्रकार से दोस्तों, इसमें टोटल 3 और 14 कितने, 17 और 5, यानी दोस्तों 22 कैंडिडेट आपके सामने इसमें, टोटली 22 कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई है दोस्तों। कितने कैंडिडेटों की? 22 कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी जानकारी थी जो RRB चेन्नई ने दी है। सॉरी, वेटिंग लिस्ट नहीं बोल के इसे रीमेडिकल बोला जाएगा, यानी ये लोग मेडिकल में अनफिट हो गए थे तो इन्हें मेडिकल पास करने के लिए दोबारा से रीमेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है।
तो इनके लिए बहुत अच्छी और काफ़ी खुशखबरी भरी सूचना दी गई है आरआरबी चेन्नई के द्वारा। इनके लिए बहुत एक सुनहरा मौका दिया गया है, वापसी इनका मेडिकल होगा, री मेडिकल में पास होने के बाद इनको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के फाइनली जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसा आगे कौन से बोर्ड से री मेडिकल के लिए बंदे बुलाने वाला है या वेटिंग लिस्ट कहाँ से आने वाली है, ये मैं अगली वीडियो में आपको आज शाम को बताऊँगा और उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने बोर्डों से वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाली है। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, कुछ खास लेके आऊँगा। इस तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।